एम वन चैप्टर फोर फाइनेंशियल प्लानिंग लेक्चर वन है हमारा ट्वेंटी फोर। नाउ सवाल एग्जांपल देखो, पेज नंबर फॉर एग्जांपल यू सी द पेज नंबर 86। आरती गैस एजेंसी सप्लाइड एलपीजी सिलेंडर टू द कंज्यूमर फॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रुपीज 545। जीएसटी चार्ज इज 5%। What is the amount of CGST and SGST in the tax invoice? What is the total amount paid by the consumer? Find the amount of GST to be paid by RT Gas Agency. कितने का है सिलेंडर? 545 बराबर, तो उसमें 2.5% हमने निकाला, कितना आया वो 13। 2.5% ऑफ 545, 545 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 100, 545 इंटू 2.5 अपॉन 100, ये कितना आया 1362.5 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना आया 13.625। ये आ गया हमारा सीजीएसटी 13.625 और ये जीएसटी कितना आया 13.625। ये तो टोटल टैक्स कितना हो गया 27.26। तो सिलेंडर का प्राइस कितना है 545 प्लस 27.26 तो कितना आया 572.26। ये क्या है कंज्यूमर्स प्राइस बराबर इतने को उसको सिलेंडर मिला है। नेक्स्ट सम पेज नंबर 86। कुरियर सर्विस एजेंट चार्ज टोटल रुपीज 590 टू कुरियर अ पार्सल फ्रॉम नाशिक टू नागपुर। इन द टैक्स इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू इज रुपीज 500 ऑन व्हिच सीजीएसटी इज रुपीज 45 एंड एचजीएसटी इज रुपीज 45। फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी चार्ज फॉर दिस सर्विस। ओके, कितना चार्ज किया उसने 590। टोटल कितना लिया उसने 590। 45 क्या लिया उसने सीजीएसटी, 45 क्या लिया है एचजीएसटी बराबर। तो टोटल जीएसटी कितना हुआ 45 प्लस 45 90। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना निकालने का है, देखो कितना दिया हमने एक्स्ट्रा 90, 500 के ऊपर कितना दिया 90 इंटू 100। अगर ये डिवाइड किया हमने सिंप्लीफाई किया तो कितना आया 18%। क्या तो रेट ऑफ जीएसटी चार्ज बाय एजेंट ही कितना आया 18%। कितना समझ में आया क्या? ये देखो इधर नेक्स्ट थर्ड सम देखो। फेकर बॉट अ लैपटॉप विथ 10% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस। The printed price of that laptop was rupees 50,000. 18% GST was charged on discounted price. Find the amount of CGST and HGST. What amount did Faker pay? Example के लिए तुमको बुक देखना पड़ेगा। बोलो कितने का है? लैपटॉप कितने का है? 50,000। 10% ऑन 50,000 कितना आया 50,000 इंटू 10 अपॉन 100 दैट इज 5,000। तो इतना डिस्काउंट दिया, फिर डिस्काउंटेड अमाउंट कितना आया 50,000 माइनस 5,000 कितना आया 45,000। कितना आया अभी 45,000 के ऊपर जीएसटी लिया जाएगा बराबर। तो 45,000 इंटू कितना 18% है, तो उसका हाफ कितना होता है 9%। सो 45,000 नाइन अपॉन 100 सो 450 इंटू 9 4050 बराबर। तो ये आ गया सी जी एस टी, क्या आया 4050 और एच जी एस टी भी कितना आया 4050। टोटल जीएसटी कितना दिया उसने 8,100 बराबर। तो उसका अमाउंट पेड बाय द कस्टमर कितना है 45,000 प्लस जीएसटी कितना दिया उसने 8,100, तो कितना आया टोटल 53,100 रुपीज इज द प्राइस फॉर केक।
होगी थे नियम वन चैप्टर फोर, तो क्या किया आपने 4.1 का अर्थ बराबर है क्या है पहला सम और मेडिकल सप्लाई मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बराबर। देखो रेट ऑफ जीएसटी कितना है 12%, तो रेट ऑफ सीजीएसटी 12/2 कितना आया 6%, फिर रेट ऑफ एसजीएसटी 12/2 6%। ओके नाउ सम नंबर 3, MS3L पेंट सोल्ड 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज रुपीज 2800। If the rate of GST is 28%, then find the amount of CGST and SGST charge in the tax invoice. बराबर taxable amount कितना है 2 टिन, एक का price कितना है 2800, so 2800 into 2 कितना आया 5600, तो GST कितना percent है 18%, 5600 into 28%, 5600 into 28/100 बराबर 56 into 28 कितना 1568। तो इसमें एजीएसटी क्या होता है आधा होता है बराबर, एजीएसटी जीएसटी 15/68/2 तो कितना आया 784 बराबर। अभी दूसरी तरह से कैसे निकाला एजीएसटी जीएसटी कितना 5600 के ऊपर 28 का कितना हुआ आधा 14%, 5600 into 14/100 कितना आया 784। सम नंबर 5 देखो, द टोटल वैल्यू विद जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज रुपीज 1770, रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन टॉयज कितना है ऑन टॉयज, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर दिस टॉय कार बराबर। कितना दिया जीएसटी 18%, तो ये जीएसटी और सीजीएसटी 18/9% अमाउंट कितना अमाउंट है, अगर हमारा टैक्सेबल अमाउंट कितना होता है 100, तो उसको विद टैक्स कितना आता है 118, अगर 1770 हमारा टैक्सेबल विद टैक्स है तो प्रिंसिपल कितना आएगा, तो 118 into x into 1770 into 100 x = 1770 into 100 upon 118, इसको डिवाइड किया कितना आया 15 into 100 x कितना आया 1500 बराबर, तो जीएसटी कितना आया 1770 1500 बराबर 270, ये जीएसटी क्या है, तो सीजीएसटी और एजीएसटी 270 upon 2 कितना आया 135। तो ये शॉर्ट फॉर्म में भी इधर दिया मैंने, देखो कितना है जीएसटी 12%, 12/2 कितना आया एसजीएसटी 6%, सीजीएसटी कितना आया 6% बराबर। तो ये 2 टिन का प्राइस कितना है 5600, उसका 28% निकाला 1568 आया, 14% 784, दूसरा 14% कितना आया 784, विद टैक्स कितना है अमाउंट इसका 1770 बराबर। तो हमको क्या करने का है, उसका टैक्स निकालने का है, तो हमने निकाला कितना आया 18% टैक्स कितना है 270, तो 270 का हम कितना हो गया 135।